फिर क्यों आपस में भिड़ गए ध्रुव राठी और गौरव तनेजा? ध्रुव और गौरव की लड़ाई में योगी का क्या कनेक्शन? कब तक जारी रहेगी दोनों यूट्यूबर्स की महाभारत? पहले के दौर में बड़े से मैदान पर जंगे लड़ी जाती थी, लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। आज जंगे होती है लेकिन सोशल मीडिया पर, क्योंकि मौजूदा परिवेश में सोशल मीडिया ही दुनिया का सबसे बड़ा जंग का मैदान है। सोशल मीडिया की इस दुनिया में सबकी अलग अलग सल्तनत है और वो अपनी अपनी सल्तनतों के बादशाह हैं। अब आप ध्रुव राठी और गौरव तनेजा को ही देख लीजिए। दोनों भारत के बड़े यूट्यूबर्स हैं। दोनों के सब्जेक्ट और वीडियोस भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, बिल्कुल अलग हैं। दोनों का आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं, बावजूद इसके दोनों एक दूसरे से बीच बीच में भिड़ते रहते हैं। लेकिन अब जो दोनों में लड़ाई हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम सामने आ रहा है। अब ऐसा क्यों है, चलिए इसे जानते हैं। हेलो नमस्ते, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली यूपी सरकार ने एक सोशल मीडिया पॉलिसी निकाली है, जिसके तहत ऐसे लोग जिनके फॉलोवर्स सोशल मीडिया पर अच्छे खासे हैं वो 8 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। अब ध्रुव राठी ठहरे ओवल नंबर के लेफ्टिस्ट। बीजेपी सरकार के किसी भी फैसले पर उनको अपनी भड़ास निकालने की आदत है, तो बस उन्होंने योगी सरकार की सोशल मीडिया पॉलिसी को भी नहीं बख्शा और जमकर उसकी बुराई की। उन्होंने ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ को ये याद दिलाया कि वो सरकार की तारीफ करने के लिए टैक्स पेयर्स के पैसों का इस्तेमाल हरगिज नहीं कर सकते। बस ध्रुव राठी के ट्वीट पर नजर पड़ गई IITN और फ्लाइंग बीस्ट यूट्यूब चैनल ओन करने वाले गौरव तनेजा की। उन्होंने पहले की तरह ध्रुव राठी को सबक सिखाने के ठाने। अब उन्होंने ध्रुव राठी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए सवाल दागा कि क्या उन सभी अखबारों टीवी चैनलों को भी शर्म आनी चाहिए जो सत्ता में किसी भी सरकार को बढ़ावा देने के लिए पेड एडवर्टीजमेंट दिखाते हैं। हालांकि गौरव तनेजा शायद भूल गए कि अखबार और न्यूज चैनलों में दिखाए जाने वाले ऐड के नीचे डिस्क्लेमर भी लिखा होता है, जिसमें ये साफ मेंशन होता है कि ये एक पेड एडवर्टीजमेंट है। बहरहाल अब जब ध्रुव राठी और गौरव तनेजा के बीच एक बार फिर से ट्वीट वॉर छिड़ गया है तो पब्लिक भी खूब मजे ले रही है। कोई ध्रुव को सपोर्ट कर रहा है तो कोई गौरव को, लेकिन कुछ भी हो इसमें फायदा तो सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ का हो रहा है, क्योंकि फ्री में उनकी स्कीम का धड़ल्ले से प्रचार जो हो रहा है, शायद इसी को कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना।